एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक सदर में स्थित सहावली गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 2 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान अशोक कुमार हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रहे हैं। लगभग 3000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में 720 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 135 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 120 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व 51 स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 45 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, पास सीसीटाइज रोड, पानी निकासी के लिए नाला, तालाब की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 शौचालय, सीसीटाइज रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान ग्राम सावली ब्लॉक सदर तहसील मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। मैंने अपने गांव में 2 सीसी और 7 इंटरलॉकिंग कराई, तालाब की सफाई, तालाब की दीवार व तार लगवाए, खंभे लगवाए उसमें, और एक तालाब की पानी का निकासी नहीं था, वो एक बहुत लंबी सीसी और अंडरग्राउंड पानी की निकासी कराई, सीवर टाइप उसको कराया गांव में, जो किसी गांव में नहीं है आज तक। हमारे ब्लॉक में तो कोई गांव में है नहीं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे पास गंदे नाले की है, जिससे सभी ग्रामवासी बड़े परेशान हैं। इससे बीमारी भी बहुत होती है। ज़्यादा परेशानी जो है वो एक बीमारी क्या है, वो कैंसर, कैंसर से ज़्यादा परेशानी है। इसके पानी से लोगों में कैंसर की ज़्यादा मतलब वे पाया जा रहा है और इसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमने कई बार ये लिख के PWD नहरवाई, MLA साहब, MP साहब सबको हम दे चुके, DM साहब से भी हम गुहार कर चुके, लेकिन इसमें नहीं हो रही। लोग परेशान हो रहे, पशु भी मर जा, और भी बहुत सारी परेशानियां इसके साथ हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस नाले की तरफ देखें और इसका निवारण कराएं।